दोस्तों स्वागत है आप लोगों का सवालों जवाब का इस सेशन में, जहां पे मैं आप लोगों से जनरल नॉलेज से कुछ सवाल पूछता हूं। अगर आप इन सवालों का सही जवाब देते हैं तो हमारी टीम की तरफ से कुछ गिफ्ट किया जाता है। तो इस वक्त जो है मैं साइंस सिटी में हूं और ये जो है झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। तो यहाँ पर मौजूद कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उन स्टूडेंट से जनरल नॉलेज से ही कुछ सवाल पूछूँगा और ये जानने का प्रयास करूँगा कि वो लोग मेरे द्वारा पूछे गए इन सवालों का कितना सही जवाब देते हैं। तो आप लोगों से सबसे पहले सवाल करूँ, उससे पहले आप बताइए कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम सूरज कुमार गुप्ता है। सूरज कुमार गुप्ता। आपका? मेरा रंजीत कुमार महतो है। रंजीत कुमार महतो। तो सूरज भाई, आपसे मेरा सबसे पहला सवाल है, 3 × ½ इक्वल टू कितना? 3 × ½ इक्वल टू कितना? आप नहीं जानते? नहीं जानते, कोई बात नहीं। आप लोगों से मेरा दूसरा सवाल है, रेलगाड़ी में कितना गियर होता है? रेलगाड़ी के बारे में पढ़े नहीं है ना, गई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप लोगों से अब मेरा दूसरा सवाल है, हिंदुस्तान में इस वक्त कितना केंद्र शासित प्रदेश है? 9 है। 9 है। 9 है। वो कैसे? वो कैसे? जम्मू कश्मीर का हटा गया और दो थी और दो बना गया। अच्छी बात है, जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग डिवाइड करके लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक ना? बहुत अच्छी बात है। अब आप लोगों से मेरा अगला सवाल है, एकदम सिंपल सा है, एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? एम्बुलेंस के नहीं जानते, इंग्लिश से सिर्फ जानते। कोई बात नहीं। आप लोग जो है CBSE पैटर्न से है या फिर जैक? जैक। जैक का फुल फॉर्म क्या होता है? जैक झारखंड, झारखंड बोर्ड, झारखंड अकेडमी सेंटर। ठीक है, वही चीज़ हम पूछ रहे हैं कि जैक बोर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? झारखंड अकेडमी कौनसिल। अब आप लोग से मेरा अगला और एकदम बिल्कुल अंतिम सा प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा, राइट? ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि अगर हम जिंदा होते हैं तो हमें बहुत ऊपर तक ले जाता है, लेकिन अगर हम मर जाते हैं तो उस चीज़ को हम ऊपर यानी कि परलोक नहीं ले जा सकते हैं? कामयाब होगा। आप लोगों ने अच्छा गेस किया। ऐसे तो पैसा एक ऐसा चीज़ है जिससे कि अगर हम जिंदा होते हैं दुनिया में, अगर पैसा हो तो हम अपने आप को ये फील कर पाते हैं कि हम बहुत ऊपर चले गए दुनिया में, हम अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं, लेकिन उस चीज़ को हम मरने के बाद नहीं ले जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश प्रसाद कोहरी है। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? हम 10th क्लास में पढ़ते हैं। आप 10th में पढ़ते हैं। मेरा आपसे एकदम सिंपल सा सवाल है, ट्रेन में, रेलगाड़ी में कितना गियर होता है? उसमें तो 11 नहीं होता है। कोई बात नहीं। आपका दूसरा सवाल है, इस वक्त हिंदुस्तान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बोलो। हाँ बोलिए। 9। आप? 9। बहुत अच्छी बात। जैसे कि हम लोग को पता है पहले हिंदुस्तान में 8 केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन जब से लद्दाख को अलग किया गया है उसके बाद से 9 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक ना? अब आप लोग से मेरा अगला सवाल है, आबादी के दृष्टिकोण से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन है? अमेरिका। आप दोस्त? नहीं पता। नहीं पता, कोई बात नहीं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है पवन कुमार माथुर। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 8th क्लास में। 8th क्लास में। आपसे मेरा एकदम सिंपल सा और एक आसान सा सवाल है, भारत में इस वक्त कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आपको नहीं पता है? कोई बात नहीं। एकदम और एकदम सिंपल सा सवाल पूछेंगे, 6 × ½ इज इक्वल टू कितना? 6 इक्वल टू कितना बोले? 6 × ½ बराबर कितना? 3। बहुत अच्छी बात। जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने इनसे पूछा कि 6 × ½ इज इक्वल टू कितना है, तो इन्होंने अच्छा जवाब दिया। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हर्ष। हर्ष। हर्ष, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 11th कॉमर्स। 11th कॉमर्स में। तो मेरा आपसे एकदम सिंपल सा सवाल है, ठीक ना? भारत का ऐसा कौन सा शहर है जो आबादी के दृष्टि से सबसे बड़ा है? मुंबई। मुंबई। तो आपका दूसरा प्रश्न है, भारत में इस वक्त कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 9। बहुत अच्छी बात। आपका तीसरा प्रश्न है, भारत के एकीकरण में सबसे अहम भूमिका किसका रहा? असम। नहीं यार, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अब आपका अगला सवाल है, ऐसा कौन सा दो रंग है उसको मिलाने से हरा रंग बनता है? ब्लू एंड पर्पल। बहुत अच्छी बात। जैसा कि आप लोगों ने देखा, इनसे मैंने जो भी सवाल पूछा उसका इन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया।